हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? इसको इंग्लिश में इक्वली पोटेंशियल सरफेस भी हम कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसकी डेफिनेशन होती है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में हम किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो आपका विभव होता है वो समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। मतलब जिसका विभव समान हो। जो वैद्युत क्षेत्र में हम काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे उस पर जब जो सभी बिंदु होंगे उन पर जो आपका विभव है वो समान हो, तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव मतलब कि समान सारे बिंदुओं पे जो आपका विभव हो वो समान हो। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं, तो आपकी जो ये डेफिनेशन है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका पूरा क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? आपका ई से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ये पूरा आपका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में आपका कोई बिंदु है जिस पर आवेश है, तो ये एक गोली पृष्ठ है। मतलब कि गोली पृष्ठ, जिसको हम समविभव पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो यह भी समविभव पृष्ठ नहीं है। ये समविभव कब होगा? तो चलिए हम इसमें कुछ पॉइंट्स खींचते हैं। तो चलिए हम पॉइंट्स खींच के बताते हैं आपको। तो ये देखिए, ये आपका वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जिस पर आपका आवेश क्या है? आवेश आपका क्यू है। ये पॉइंट इसका नाम हम ओ दे देते हैं। मान लेते हैं ये कोई आपका वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जो कि जिसका नाम ओ है। इस पर आपका आवेश प्लस क्यू है। प्लस क्यू आपका आवेश है और इस ये जो आपका गोलीय पृष्ठ है इससे आपकी कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इस बिंदु से होकर कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो जो आपका ये पृष्ठ है, ये डॉटेड लाइन वाला जो आपका पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, इसके लंबवत जाएंगी। तो इतना क्लियर है, ये आपका हो गया समविभव पृष्ठ। इसके सभी बिंदुओं पर जो आपका विभव है, इन मतलब कि ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे जो पॉइंट हो, इनमें सब पर आपका विभव जो होगा वो समान होगा। इसी कारण इन सब पॉइंट्स को मिलके ही क्या बनाते हैं? समविभव पृष्ठ बनाते हैं। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं हम इनमें कोई दो बिंदु लेते हैं, ये दो बिंदु लिए मान लेते हैं ये कोई दो बिंदु है, कि नहीं दो बिंदुओं के बीच जो आपका वैद्युत विभवांतर है वो शून्य होगा, क्योंकि आपका जो विभव है वो मतलब कि सब बिंदुओं में क्या है? सेम है। तो क्योंकि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इन पर सब में विभव समान है, तो आवेश को इन पर जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। परंतु इन दो बिंदुओं के बीच आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब आवेश को क्षेत्र के लंबवत ले जाएं तो दिशा भी आपके क्षेत्र के लंबवत होगी। तो क्या बोल रहा है? जब आवेश को ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इसके लंबवत ले जाएं तो इनकी जो दिशाएं होंगी वो भी कैसी होंगी? आपकी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगी। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो चलिए इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपके समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी तो इनकी दिशा भी कहाँ होगी? वैद्युत पृष्ठ की तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की तरफ के लंबवत ही होगी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आपका जो विभवांतर है वो शून्य होगा।